सर्दी का मौसम शुरू हो गया है, जिसके चलते सर्दी जुकाम खांसी होना आम बात है। इसी खांसी की प्रॉब्लम को देखते हुए आज हम टस्क्यू लोजेंजिस टैबलेट के बारे में बात करेंगे। टस्क्यू लोजेंजिस टैबलेट क्या है, इसके कंटेंट, इसके यूजेज, डोज एवं इसके साइड इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रकाश शाक्य और आप देख रहे हैं डॉक्टर स्मार्ट हेल्थ केयर। टस्क्यू डी लोजेंजिस एक ऐसी मीठी गोली है जिसे मुंह में रखकर चूस कर खराश एवं खांसी की प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। जो व्यक्ति सिरप को लेने में प्रॉब्लम होती है या जो व्यक्ति सिरप को अफोर्ड नहीं कर पाते, उन व्यक्तियों के लिए ये गोली बहुत ही यूजफुल है। ये मेरे हाथ में टस्क्यू डी टैबलेट है। ये टस्क्यू डी का ब्रांड दिया गया, ये बताया गया कि कफ लोजेंजिस टैबलेट है। इसके फ्लेवर की बात करें तो ये मेरे हाथ में ऑरेंज फ्लेवर है, ये लेमन हनी एवं जिंजर फ्लेवर में आता है। चलिए इसके पीछे देख लेते हैं, इसके पीछे क्या क्या दिया गया है। इसकी कंपनी की बात करें तो ये ग्लूकोस लेबोरेटरीज लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। इसकी एमएफजी की बात करें मैन्युफैक्चरिंग डेट की, तो ये अगस्त 2018 की है। एक्सपायरी डेट जुलाई 2020 और इसकी एमआरपी की बात करें तो 39 रुपये की ये 6 टैबलेट है। चलिए इसके कंटेंट के बारे में बात करें तो डेक्सामेथासोन हाइड्रोब्रोमाइड 5 mg होता है एवं एमएल मेट्रोक्रेस्टोल 0.6 mg होता है। चलिए इसके यूजेस के बारे में बात करें तो इसका यूज आप सूखी खांसी में कर सकते हैं। ये एक एंटीसेप्टिक गोली है जो मुंह एवं गले के संक्रमण को दूर करती है। सर्दी खांसी के कारण जो गले में जलन होती है या खराश होती है, खांसी चलती है, उसमें भी आप इसका यूज कर सकते हैं। तो आप इस तरह से खांसी की प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। चलिए इस गोली के डोजेस के बारे में बात करें तो इस गोली को दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम खाना खाने के बाद मुंह में रखकर चूसना है। इस गोली को लेने के बाद में 20 से 30 मिनट तक आपको पानी का यूज नहीं करना है। तो आप इस तरह से खांसी की प्रॉब्लम के लिए आप इस गोली का यूज कर सकते हैं। चलिए इसके गोली के साइड इफेक्ट के बारे में बात करें तो आपको नोजिया वोमिटिंग की शिकायत हो सकती है, स्किन में चकते बन सकते हैं, सर में दर्द हो सकता है, घबराहट की प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि बेचैनी की प्रॉब्लम हो सकती है। इस तरह के नॉर्मल साइड इफेक्ट देखे जा सकते हैं। लेकिन यदि आपको खांसी की प्रॉब्लम हो रही है तो आप इस गोली का यूज कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, इस गोली को लेने से पहले आप अपने डॉक्टर से संपर्क जरूर कर लें, क्योंकि बिना डॉक्टर की एडवाइस से किसी भी प्रकार की मेडिसिन का यूज नहीं करना चाहिए। आपका दिन मंगल में हो, आप सदा खुश रहें, सदा स्वस्थ रहें। यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे पेज को लाइक कर लीजिए, और यदि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हेल्थ से संबंधित वीडियो सबसे पहले आपको मिल सकें।